हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नीनाज किचन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक, जिससे कि आपकी पुरानी से पुरानी और मैली बेडशीट एकदम नई जैसे चमकदार बनने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए मैं क्या करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बेडशीट काफ़ी मैली हो चुकी है और अब मैं इसको पानी में भिगोकर रख दूंगी रात में ही। शाम के 6:30 बजे हैं और मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है और इसमें डिटर्जेंट पाउडर डालकर मैं इसे भिगाकर ओवरनाइट भिगाकर रख दूंगी और सुबह मॉर्निंग में मैं इसे वॉश करूंगी वॉशिंग मशीन में। सर्फ को मैं अच्छे से मिला देती हूँ और अब मैं अपनी बेडशीट को इसमें डिप कर दूंगी, ये देखिए। और अब मैं इसे रात भर ऐसे ही रहने दूंगी और अर्ली मॉर्निंग मैं इसे वॉशिंग मशीन में वॉश करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और ये बेडशीट जो मैंने रात भिगोकर रखी थी, इसको मैं अब वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी धुलने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बेडशीट हमारी सूख गई है और सूखकर हाँ वो कितनी साफ सुथरी और एकदम नई जैसी हो गई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए मेरी बेडशीट कितनी सुंदर हो गई है एकदम नई जैसी। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके को अपना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से आप अपने वाइट कपड़ों को भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वॉश करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वाइट कपड़ों में आप सिर्फ वाइट कपड़े ही डालें, उनके साथ एक्स्ट्रा कपड़े ना डालें। और उनको वॉश करते टाइम आप उसमें कुछ उजाला नील डाल दें और फ्रेंड्स इनको नॉर्मल धुलने दें, और जैसे हम नॉर्मल कपड़े वॉश करते हैं उसी तरीके से इन्हें आप धो लीजिए। तो इनको धुलने और सूखने के बाद आप देखेंगे कि आपके कपड़े कितने साफ सुथरे और एकदम नए जैसे चमकदार बन गए हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।